हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड चले सीजी पुलिस का भी जो सीजी बापू के थ्रू 6 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका हम जो है फिर से आज एक क्वेश्चन पेपर लाया हूँ जो आपको मासिक पत्रिका जो सॉरी जो योजना चक्र जो आता है मासिक पत्रिका ना, उसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है मिला हुआ है। तो इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है CGPSC एकेडमी का। उस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद में ही आप जो है इसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, जितना जो GS पार्ट है उसको मैं सॉल्व करके बस आंसर के हिसाब से बताते जाता हूँ, बाकी आप मैथमेटिक्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और किस टाइप का इन्होंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया हड़प्पा का प्रथम स्थल कौन सा है। तो ऑप्शन दिया है कालीबग्गा, राखीगढ़ी, धौलावीरा या लोथल। तो हमको पता है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया हड़प्पा का कौन सा पार्ट है। हड़प्पा की प्रथम स्थल है लोथल, ठीक है, कौन सा स्थल है लोथल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो मैं इसी से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ बताऊंगा, जैसे कि लोथल कहाँ है वो दिखा देते हैं। चलो मैं लोथल के बारे में थोड़ा बता दूं कि जो है इसको देखिए ये कहाँ पे है, ये गुजरात के पास में है, ठीक है। तो जब इसकी खोज हुई थी सन 1954 में, ठीक है, भारत राज्य के गुजरात के भाल क्षेत्र में ये स्थित है और 1954 में इसकी खोज की गई थी। जब 13 फरवरी 1955 से लेके 1956 के बीच इसमें जब यहाँ पे खुदाई हुई थी तब इसका जो है पता चला था। तो लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले के थोलका तालुका गांव के पास में एक सराग वाला के निकट में ये स्थित है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जो है इतना ही बताएंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन भी हमको सॉल्व करना है, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन के साथ युद्ध किया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या हर्षवर्धन। तो किस शासक ने चीन के साथ युद्ध किया था। तो ऑप्शन सी कनिष्क ने जो है चीन के साथ युद्ध किया था, ठीक है। तो सेकंड का सी इज करेक्ट। थर्ड का देख लेते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान को प्रथम बार खलीफा के द्वारा स्वीकृति दी गई थी। तो खलीफा कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। देखिए अगर आपको लगता है कि नहीं ये आंसर गलत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और स्पेशली पूरा डेप्थ में बताइए, ताकि अगर देखिए जैसे ही आप डेप्थ में बताएंगे, क्योंकि आंसर इन्होंने जो लिया है मैं उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करके बताते जा रहा हूँ। अगर आपको नहीं लगता है कि ये गलत है तो उसका एक्सप्लेन करके भी बताइए, ताकि उसको मैं पिन कर दूंगा, ताकि सभी को इसका जानकारी डिस्क्रिप्शन पे भी मिल सके, ठीक है। तो इन्होंने जो है दिल्ली के सल्तनत किस सुल्तान को प्रथम बार जो है खलीफा की स्वीकृति प्रदान की गई थी, वो था ऑप्शन थर्ड का डी इल्तुतमिश को स्वीकृति दी गई थी, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, पूछ बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिफ्थ, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने कराया था। देखिए जितने भी क्वेश्चन आते हैं जैसे कि लाल किला, ये सब चीज़ कौन कौन ने निर्माण कराया, कहाँ पे क्या है, आगरा के ताजमहल, इस सभी चीज़ को एक एक चीज़ हमको ना हर चीज़ का जानकारी होना चाहिए, क्योंकि SI में कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें क्वेश्चन कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था, औरंगजेब ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने। तो पाँचवा का ऑप्शन डी शाहजहां ने जो है वो आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। छठवां क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण, तो छठवां कौन कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, छठवां का डी इज़ करेक्ट, शाहजहां ने भी मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस जगह हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम जो है 1857 का देखते हैं ना तो ये चालू होता है दिल्ली, मेरठ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, यह रायपुर या बैरकपुर। तो सभी को पता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन सातवां का बी इज करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में, जापान में, जर्मनी या इटली में? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का जो है गठन किया था सिंगापुर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो शिशुक निम्नलिखित में से किस वंश का संस्थापक, जो शिशुक था, देखिए हम जो इसमें पढ़ते हैं ना, ये कौन, नील वंश था, छिंदक नागवंश था, फनीश नागवंश, छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन बना हुआ है, या सरपपुरी वंश, जो शिशुक हम पढ़ते हैं ये कौन था? तो ये नल वंश का जो संस्थापक था वही है। तो नौवा का ए इज करेक्ट, शिशुक। ठीक है। छत्तीसगढ़ से प्राप्त सबसे प्राचीन सोने के सिक्के किस शासक का प्राप्त हुआ है? वराराज, भवदत्त वर्मन, प्रसन्नमात या कुमार गुप्त? ये तो कौन सा है, भवदत्त वर्मन तो आपका नल वंश आ जाता है, और प्रसन्नमात सरपपुरी वंश है, गुप्त वंश इन्हीं लोग का आता है, और वराराज भी नल वंशों में आ जाता है। तो कौन है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन सोने के सिक्के का शासक प्राप्त हुआ था? तो दसवा का वराराज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नरबली का प्रथम साक्ष्य प्रदान करने वाला ताम्रपत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? राजपुर का, रिद्धिपुर का, या केसरीबाड़ा, या एडिंगा का? तो 11 का क्या होगा, राजपुर का जो ताम्र, राजपुर में जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था उससे जो है नरबली का प्रथम साक्ष्य हमको देखने को मिला था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब यहाँ पे पूछा है कि विक्रमादित्य की उपाधि छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस वंश के शासकों ने धारण की थी? विक्रमादित्य हमने बाण वंश देखा था, बाण वंश में जो विक्रमादित्य ने पाली के शिव मंदिर का जिन्होंने करवाया था निर्माण वही है। तो भाई विक्रमादित्य का संबंध किससे है? तो विक्रमादित्य का संबंध बाण वंश है। ठीक है। तो ऑप्शन 12 का डी इज करेक्ट। त्रिंगलधिपति उपाधि वाले सोमवंशी शासकों की राजधानी, भाई त्रिंगलधिपति की उपाधि सोमवंशी शासक जो कि शासन धारण किए थे, है ना, तो इसके शासकों की राजधानी क्या हुआ करती थी? स्वर्ण नगरी, हटकपुर, आरंग या सिरपुर? तो 13 का क्या होगा, स्वर्ण नगरी इसकी राजधानी हुआ करती थी, स्वर्ण नगर। ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 13 का क्या होगा, ए इज करेक्ट। जनजाति नायक कंचना धुरवा किस जनजाति से संबंधित, जो जनजाति नायक हो, नायक कंचना धुरवा वो कौन सी जनजाति से संबंधित है? कमार, कंडरा, धुरवा या बिंझवार? तो ये है कमार जनजाति से संबंधित है। 14 का ए इज करेक्ट। हमेल किस अंग में पहनने वाला, हमेल किस अंग में पहनने वाला आभूषण है? तो 15 का क्या, नाक, कान, गला, बाँह? हमेल, ये देखिए नया हमको क्वेश्चन देखने को मिला हमेल का, तो हमेल जो है गला में पहना जाता है बोल रहे हैं। ठीक है। तो 15 का सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। गुड़हा चीला किस परम, भाई गुड़ का चीला जो बनता है किस परम विशेष रूप से बनाया जाता है? तीजा, हरेली, अगहन या पोला में? तो 16 का क्या होगा, 16 पोला में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे हरेली में भी जो है जब औजारों का जब पूजा करते हैं तो वहाँ भी चीला चढ़ाया जाता है, लेकिन पोला जो गुड़हा चीला का उपयोग जो विशेष पर्व पोला में चढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बस्तर में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की भूगर्भीय चट्टाने पाई जाती है? धारवाड़, कड़प्पा, आर्कियन? तो मैं इसको मैप से बता देता हूँ, थोड़ा सा क्या है मैप से याद रहेगा हमको, हमको पता है कि जब हम मैप छत्तीसगढ़ का बनाते हैं तो ये गोंडवाना सेल समूह है, ये है दक्कन ट्रैप, बीच वाला है कड़प्पा, और धारवाड़ ये है। तो भाई यहाँ पे बस्तर के चट्टानों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? 17 का। तो बस्तर में सबसे ज्यादा किस प्रकार के भूगर्भीय चट्टाने पाई जाती है बोल रहा है। तो देखिए ये तो धारवाड़ होना चाहिए था बस्तर में, लेकिन इन्होंने आंसर लिया है 17 का डी, आर्कियन सेल समूह लिया है। ठीक है। तो जो आंसर है मैं उसके हिसाब से बताते जा रहा हूँ, मैप में जैसा था वो मैंने बताया था। जैसे अब 18 का क्वेश्चन, हिरण्यबाहु के नाम से कौन सी नदी प्राचीन काल से जानी जाती है, सिंधु, सोन, गंगा या रेणुका? तो 18 का बी, सोन नदी को हिरण्यबाहु के नाम से भी जाना जाता है प्राचीन काल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध आरंग में स्थित भांड देवल मंदिर किस काल की संरचना मानी जाती है? ये सरपपुरी वंश, राजकृषि, राजऋषि तुल्य वंश, या पांडव वंश, या कलचुरी वंश? तो 19 का डी, कलचुरी वंश से जानी जाती है, जब कलचुरी समय था उस समय से इसको जो है जानी जाती है। छाता पहाड़, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि छाता पहाड़ कौन से स्थान में व्यवस्थित है, गिरौदपुरी में, भंडारपुरी में, कुदुरमाल में, या दामाखेड़ा? जो छाता पहाड़ है वो गिरौदपुरी में है।
ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। देख लेते हैं, राम वन जो गमन अभी मार्ग बना रहे हैं उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में राम जी की प्रथम पड़ाव नदी के तट पर माना जाता है। तो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि कौन कहाँ स्टार्टिंग से हुआ था। हर चौका जो कोरिया जिले से स्टार्टिंग हुआ, तो 21 21 का कौन सी वहाँ पे नदी थी? रिहन नदी नहीं, पवई नदी, मवई नदी या नेयूर नदी। तो सही आंसर है मवई नदी। ठीक है, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स दिया हुआ है तो मैथमेटिक्स को मैं थोड़ा स्किप करता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें हम सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन को। अभी हम यहाँ पे सिर्फ जो है सॉल्व करते जाते हैं आंसर को। यहाँ से देखिए, अब इसमें कंप्यूटर का भी क्वेश्चन है, 36 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या डेजीविल प्रिंटर। तो 36 का सही आंसर क्या है? 36। तो ये जो लेज़र प्रिंटर हम जो घरों में भी यूज़ करते हैं, ऑफिसों में, लेज़र प्रिंटर कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, बहुत ही फास्ट काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सी डी रो आर डब्ल्यू पर क्या होता है पूछ रहा है, तो 37 का क्या आंसर हो सकता है? तो पढ़ लेते हैं क्या क्या है। सूचना को रीड राइट और री राइट किया जाता है। देखो, ये रीड करने का भी काम किया जाता है और री राइट भी किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 38 का देख लेते हैं। किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का तैयार किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, फोल्डर, शॉर्टकट आइकन या आबा या सभी। तो 38 का वेरी सिंपल है भाई, कोई भी फाइल को हम क्या करते हैं, शॉर्टकट बना देते हैं आइकॉन को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विंडोज 7 रिकेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है? जंप लिस्ट, फाइल लिस्ट, ए और बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 39 का भाई, कोई भी जो रिकेंटली आइटम होता है वो जंप लिस्ट आता है, शो होता है उससे। ठीक है, तो 39 का क्या होगा? ए इज करेक्ट। 40 का देख लेते हैं। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, और क्या है ऑप्शन, बुद्धिहीन या विविधता। भाई बुद्धिहीन, तो 40 का क्या होगा? सी इज करेक्ट, कोई बुद्धिहीन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? देखिए, राज्य सरकार कौन कौन से कर लगाया जा सकता है वो देखते हैं। ठीक है, कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? संपत्ति कर, संपत्ति शुल्क, निगम कर या मनोरंजन कर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा, देखो मनोरंजन कर जो है अलग अलग राज्य के द्वारा लगाया जाता है, बाकी संपत्ति शुल्क ये भी लगाते हैं, निगम कर भी, लेकिन इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट लिया है। 41 का डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना संयुक्त बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद। तो ये ऑप्शन डी, इलाहाबाद बैंक सबसे प्राचीन बैंक है, संयुक्त और सबसे पुराना बैंक है। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लेखक कौन हैं? गैरी ब्रेकर, मार्क इस्कोशन, या इज़राइल किर जनर, या डब्लू ऑथर लुइस। तो 43 का ऑप्शन डी, डब्लू ऑथर लुइस, जो कि इसका सही आंसर लिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक, देखिए जितने भी उत्पादक से क्वेश्चन आएंगे उसका भी अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ताकि उसमें हमको जैसे कौन कौन सा उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ होता है, कितना निर्यात आयात होता है, कहाँ होता है, ये सब चीज़ का जानना जरूरी है इसमें कवर करने के लिए। तो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक जो कि मूंगफली का उत्पादक कौन सा देश है? भारत, चीन, यूएसए या ब्राज़ील। तो 44 का चीन जो है सबसे बड़ा उसका उत्पादक देश है। भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? कृषि मंत्रालय, नाबार्ड, या कृषि लागत मूल्य आयोग, या वाणिज्य मंत्रालय। तो जो एमएसपी है कौन करता है इसको? 45 का सी, कृषि लागत मूल्य आयोग इसको तय करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कर्क रेखा इनमें से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती? तो देखिए कहाँ कहाँ से नहीं गुजरती वो देख लेते हैं। 46, तो जब यहाँ से हम देखते हैं पश्चिम बंगाल से भी जाती है, छत्तीसगढ़, झारखंड से होती जाती, उड़ीसा से नहीं जाती है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात से जाती, उड़ीसा से नहीं जाती। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 46 का डी इज करेक्ट। भारत को किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा। तो 47 का क्या आवाज, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या नर्मदा। तो वृद्ध नदी कहा जाता है, वृद्ध गंगा किसको?
तो 47 का बी, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक कौन सा देश है? अंडमान द्वीप के नज़दीक श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार या जापान? तो 48 का सी इज़ करेक्ट, म्यांमार जो है सबसे नज़दीक देश है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक ट्रांस हिमालयी नदी है? गंगा, यमुना, सतलज या चंबल? तो 49 का सी, सतलज नदी जो है एक हिमालयी नदी है जो हिमालयों के पास बसा हुआ है, होके गुजरता है। बिहड़ भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है? बिहड़ भूमि के अंतर्गत, तो 50 का क्या होगा? अब सही आंसर बताते जाऊंगा, सीधा चलते जाएंगे। तो बिहड़ भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान, ऑप्शन ए इज 50 का करेक्ट होगा। भारत के किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत गंगा का मैदान, कृष्णा गोदावरी, उत्तर पूर्वी केरल, तमिलनाडु? तो 51 का बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, और हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। भारत के सबसे पूर्वी राज्य में कौन सा राज्य है? सबसे पूर्वी में हम देखें तो कौन सा है? असम, नागालैंड, मणिपुर? सभी को पता है, जो मैप देखे हैं नहीं पता उसको भी पता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है ना, वो अरुणाचल प्रदेश आता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 53 का सही आंसर क्या होगा? बी, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो 54 का सी, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। तो मैं आंसर बताते जाऊंगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अध्याचात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो 55 का सही आंसर क्या होगा? डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारतीय संविधान के समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? वेरी इजी क्वेश्चन, संसद में निहित होती है, क्योंकि संसद से ही मिलके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति बनते हैं, तीनों से मिलके संसद बनता है। तो 56 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? भाई देखिए, प्रधान 57 का सही आंसर लेंगे, कौन सा मतलब कि कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को नहीं देता? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, रक्षा बलों को? तो देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी यही करता है, शपथ दिलाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये नहीं करता है, वो राज्यपाल के द्वारा कहते, क्योंकि यहाँ चूंकि भारत के राष्ट्रपति को बोला गया है, इसलिए जो है सिर्फ प्रधानमंत्री, बाकी रक्षा बलों का कमांडर होता है, देश में आपातकाल की स्थिति में भी लागू कर सकता है, सिर्फ राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपालों के द्वारा होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है पूछ रहा है? तो 58 का ठीक है, देख लेते हैं। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, बिल्कुल गलत है ये, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए हैं, अनुच्छेद 51A भारतीय है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए इस गलत है, तो ऑप्शन यही सही है कि ये गलत है। ठीक है, 59 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक किसके जो है आदेश पे किया गया है पूछ रहा है? तो 59 का क्या होगा? ए, संविधान की उद्देशिका के द्वारा जो है इसको अलग किया गया है। जो IMT रेखा किस राज्य से होके नहीं गुजरती है? IMT जो है किस राज्य से होके नहीं गुजरती है? तो 60 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, झारखंड से होके नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बांग्लादेश की सीमा से, ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये हम जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसमें भी पूछ रहा है कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य घिरे हुए हैं, तो इसको आपको लिख के मैप से देख लेना है। मैंने इसको पिछले बार भी इमेज से बताया हुआ है, फिर से मैं साइड में डाल दूंगा कौन कौन से राज्य घिरे हुए हैं वो। तो 61 का सही ऑप्शन है सी, हमने देखा था मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, जो कि इस बांग्लादेश के सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हिमालय का पर्वत जो पदीय प्रदेश कौन सा है? तो 62 का ऑप्शन बी, शिवालिक जो है हिमालय का प्रदेश, हिमालय का पर्वत प्रदीय प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साई चिन्ह का भाग है? तो 63 का डी, 63 का डी, लद्दाख पठार जो है ऑक्साई चिन्ह का भाग है, लद्दाख पठार।
गुरु शिखर किसकी ऊंची चोटी है? वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन। तो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति, गोंड जनजाति, संथाल जनजाति या थारू जनजाति? भारत की पूछा है इसलिए भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति। अगर हमारे छत्तीसगढ़ की पूछेगा तो गोंड जनजाति सबसे बड़ी है। ठीक है, तो 65 का क्या होगा? 65 का ए इज़ करेक्ट। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ये भी इम्पोर्टेंट है। पद्मा है, चकमुड़ुग है, हिमगुज है, सांगपो। तो 66 का डी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के लोग सांगपो के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक मच्छर नहीं है? फिलपाव, डेंगू, मलेरिया। देखो, मच्छर के काटने से डेंगू भी होता है, मलेरिया भी होता है, टाइफाइड नहीं होता है। ये 67 का सही आंसर इन्होंने डी लिया, टाइफाइड इसके नहीं होता, गंदा पानी के वजह से भी होता है, तो ये रोग के वाहक नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? 68 का बी काल्पनिक होता है, जो समतल दर्पण द्वारा बनता है वो काल्पनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायित्व कारक कौन सा है? तो 69 का सही आंसर है ए, भौगोलिक दशाएं, जो कि जैव विविधता के लिए प्रचुर मात्रा में क्या बोल सकते हैं, सर्वाधिक उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वनस्पति जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो भारत में वनस्पति जंतुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है कहाँ? तो 70 का डी, पश्चिमी घाट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही करण, अच्छा इसको बताइए कैसे कैसे होगा पूरा। तो सही आंसर बता लेता हूँ, 71 का डी, निगमन पादप, जलावी पादप, रीढ़, शाख, झाड़ी, वृक्ष। अच्छा, कैसे कैसे जो है इसको सही क्रम को बनाने की, कैसे कैसे जो है बनते जाता है वृक्ष, नीचे से पादप से लेके वृक्ष तक बनने तक। ठीक है, अब 72 का देख लेते हैं, GSLV शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो 72 का सही आंसर क्या होगा? ए, GSLV का पूर्ण जीएसिलिकुनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, ये पूछा भी जाता है, GSLV का फुल फॉर्म बताइए करके। देख लेते हैं 73 का, इसका सही आंसर ए होगा, 72 का ए। 73 का देख लेते हैं हम, कि खेजड़ी वृक्ष किस क्षेत्र की विशेषता है? खेजड़ी, खेजड़ी वृक्ष। तो 73 का डी, ये मरुस्थल क्षेत्र की विशेषता है खेजड़ी वृक्ष। 74, टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल किस प्रकार के तरंगों, ये क्वेश्चन को भी पटवारी में भी पूछा गया था, 1-2 साल पुराना है ये। टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल किस प्रकार के तरंगों का उपयोग करता है? तो 74 का ई, अरक्त किरणें, तरंगों पे चलती है ये। मोटर कार के हेडलाइट में, ये भी बहुत बार बच्चों जैसा क्वेश्चन बनता है ये, लेकिन हम गलती कर देते हैं, उत्तल और समतल दर्पण में हम जो है इसको कन्फ्यूज़न हमेशा रहते हैं। तो ये अवतल, हम मोटर कार में जो हेडलाइट में यूज़ होते हैं वो अवतल दर्पण बना होता है। तो 75 का सी इज़ करेक्ट। विटामिन ए मानव शरीर में किस अंग में संग्रहित होता है? तो 76 का सी, लीवर में होता है। ठीक है, किस में? लीवर में। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में, जलवायु, जल में, वायु में, कांच में। तो 77 का डी, कांच में होता है सबसे कम। ठीक है, अब सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणों, क्वेश्चन क्या है, किरणों से पृथ्वीवासियों को बचाने वाली गैस कौन सी है? भाई जब वहाँ से आती तो भाई हमारे क्या बना हुआ है? 78 का वेरी, भाई ओजोन परत बना हुआ है ना, वही जो है पृथ्वीवासियों को बचाने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। SPM किससे संबंधित है? SPM 79 का सी, वायु प्रदूषण से SPM संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। भारत की संकट ग्रस्त पादप जाति में से कौन सम्मिलित है? आम, शीशम, सगौन या चंदन? तो 80 का चंदन का जो वृक्ष होता है वो संकट ग्रस्त पादप जाति में आता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होती है? 81 का डी, अब घटक पर। ठीक है, अब घटक पर समाप्त होती है। जनपद पंचायत और जिला पंचायत में निर्वाचन सदस्यों के अलावा कौन सदस्य होता है? तो 82 का बी, पदेन सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत और जिला पंचायत में निर्वाचन सदस्यों के अलावा पदेन सदस्य कौन होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। 83 का देख लेते हैं कि भारत के संविधान के
73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल कब से की जाती है? वेरी सिंपल, जब ग्राम सभा की प्रथम बैठक होती है उस दिनों से। तो 83 का क्या होगा, सॉरी क्वेश्चन को देखना है, ग्राम पंचायत बोला भाई, सरपंच का जब चुनाव होता है तो ग्राम पंचायत होगा ना, तो ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक जब वो करवाते हैं ना, सम्मेलन होता है, बैठक नहीं बोल रहा हूँ, प्रथम सम्मेलन होता है, इस दिन उसको जो है शपथ दिलाई जाती है। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत भी लिख दिया और ग्राम सभा भी लिख दिया, इसलिए कन्फ्यूजन करता है। ठीक है, तो यहाँ ग्राम पंचायत लिखा है ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इस दिन से कार्यकाल प्रारंभ होता है। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता कौन जारी करता है? वेरी इजी, राज्यपाल ही करेगा। तो ऑप्शन क्या, इसने क्या लिया है, 84 का ए करेक्ट, राज्यपाल के हाथ में होता है। ठीक है, तो स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किस निकाय के सदस्य होते हैं? तो 85 को सी, जिला परिषद के सदस्य होते हैं। 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? जयपुर, कोच्चि, बनारसी या कोलकाता? तो 86 सी, बनारसी को जो है सांस्कृतिक पर्यटन की राजधानी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 87, निम्नलिखित में से किस वर्ग की पनडुब्बियां भारत द्वारा स्वदेशी रूप से बनाई गई है? अभी बहुत ज़्यादा करेंट अफेयर से आपको जुड़ा रहना है, अरिहंत, जो कि भारत की स्वदेशी रूप से बनाया गया है, अरिहंत ए, 87 का ए इज करेक्ट। 88, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चालू किया गया है? तो 88 का सही आंसर क्या होगा, सी, उत्तराखंड द्वारा। ठीक है, फ्रेंच ओपन टेनिस महिला एकल 2022 खिताब की विजेता कौन है? तो 89 का बी, एगा स्ट्यू, क्या नाम है, एगा स्विटेक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 90 का, गरुड़ एरो स्पेस जेक ब्रॉन एसेंबर के रूप में किस भारतीय व्यक्तित्व पर हस्ताक्षर किए गए? तो 90 का सही आंसर होगा बी, महेंद्र सिंह धोनी। हाल में ही चर्चा में रहा रण स्तंभ किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट है, रण स्तंभ का संबंध याद रखना है, इसको क्वेश्चन बना हुआ था ये, रण स्तंभ 91 का बी, महाराष्ट्र से। ठीक है, कौन सा भारतीय शहर अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव की मेजबानी करता है? ये भी अच्छा है, 92 का बी, कोलकाता शहर बाल फिल्म के लिए, 92 का क्या होगा, बी इज करेक्ट, आपको आंसर की यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हाल में खबरों में रहे कोविड-19 जो नमूना संग्रह केस्को किया क्योस्क किस संस्थान के प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया? तो 93 का ए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा। खरखरा जलाशय का नामकरण किसके नाम पर किया गया? वेरी इजी और सबसे इजी क्वेश्चन है, राजीव गांधी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रामनवमी बड़े भजन मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रायगढ़ में या कहाँ, तो देख लेते हैं, जांजगीर चांपा में, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 95 का बी इज करेक्ट। राज्य में गोंडवाना टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो 96 का रायपुर में, ए इज करेक्ट। प्रदेश में शिशु संरक्षण माह का आयोजन कब से कब किया गया? तो 97 का सी, 4 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक। चित्रकूट महोत्सव का आयोजन कौन सी नदी के तट पर किया जाता है? भाई वहाँ पे कौन सी नदी है, सभी को पता है कि वहाँ पे इंद्रावती भी नदी है, तो इंद्रावती नदी के तट पर आयोजन होता है। गौरैया मेला का आयोजन किस, जितने भी मेला भी चलेगा क्वेश्चन बनेगा ही, तो गौरैया मेला का आयोजन किस जिले में होता है? 99 का बी, बालोद जिले में। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या है? तो 100 का डी, लघु जलाशय की योजना बनाना, ठीक है, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, जनजातीय उपभोक्ताओं पर नियंत्रण रखना, जो कि सभी सत्य है, आपको आंसर जो है यहाँ पे मिल जाएगा उत्तरमाला। ठीक है, यहाँ से ये आप टिक भी लगा सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और बहुत सारे मैं क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जैसे कि बहुत सारा जो है HR पब्लिकेशन ने भी क्वेश्चन पेपर जो है अभी पब्लिश किया है, तो मैं भी उसको सॉल्व करूँगा और आपके साथ भी शेयर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा।